स्वागत है सर दोस्तों आप सबका एक संडे के और फ्रेश Q&A सेशन के अंदर, जहां पे आप लोग मेरे से पूछते हैं बहुत सारे सवाल और मैं देता हूं उनके जवाब। सो इस वीडियो को अंत तक दोस्तों देखना ना भूले। मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो दोस्तों चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हमारे आज के Q&A सेशन के क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है सुशील सक्सेना की तरफ से, और सुशील सक्सेना बोल रहे हैं कि उनको एक 10 कंप्यूटर का एक नेटवर्क पूरा रेडी करना है जो कि एक बीपीओ के लिए है। तो वहाँ पे उनको कौन सा सर्वर लगाना पड़ेगा और उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशंस होना चाहिए? सो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप असेंबल करके कोई सर्वर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि असेंबल जितने भी सर्वर करोगे उनका आपस में जितने भी आप उसमें पार्ट्स लगाने वाले हो उनकी कितनी कंपैटिबिलिटी है वो नहीं मालूम पड़ पाएगा, तो और ऐसे में आपको बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। सो मेरा सजेशन तो यही है कि अगर आपका कोई ज़्यादा बजट नहीं है, क्योंकि आप 10 ही कंप्यूटर बता रहे हैं उसमें कनेक्ट होने हैं, सो यहाँ पर आप एंट्री लेवल कुछ जो सर्वर्स आते हैं उनको यूज़ कर सकते हो, जैसे कि HP का जो है ML10 G7 यूज़ कर सकते हो, डेल का पावर ST30 वगैरह, इस तरह के जो सर्वर्स हैं वो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि सर्वर जो है वो हमारी जितनी परफॉर्मेंस है उसको पूरा हैंडल करने वाला है, हमारे जितने पूरे उसके थ्रू जो जितने ऑपरेशंस होने वाले हैं उनको हैंडल करने वाला है। सो इसलिए सर्वर्स की जहाँ पे बात आए तो हमेशा ब्रांडेड ही पे जाना, और कभी भी सर्वर को कॉन्फिगर करने की या असेंबल करके सर्वर बनाने की कोशिश मत करो। सो अगला जो क्वेश्चन है वो अब्दुल की तरफ से है, और वो क्या जानना चाहते हैं कि मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे फाइबर का टर्मिनेशन था उसमें जो है LIU मतलब क्या होता है। सो LIU को अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूँ तो आई होप कि आपको पैच पैनल जो है वो क्लियर है, जहाँ पे हम Cat6 केबल्स वगैरह जो है नेटवर्क रैक के अंदर पैक साइड पे उसके पंच करते हैं और फिर जो है एक पैच कॉर्ड लेके उसको हमारे स्विच से कनेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे जो पैच पैनल रोल निभा रहा है वही LIU रोल निभा रहा है, यानी कि फाइबर केबल का जिसमें हम टर्मिनेशन करते हैं उसको LIU बॉक्स कहते हैं, और वहाँ से फिर जो है हम फाइबर की पैच कॉर्ड्स का इस्तेमाल करके हमारे फाइबर स्विच पे जो है कनेक्टिविटी वगैरह करते हैं। सो अगला जो क्वेश्चन है वो है वरदान की तरफ से, वरदान कुमार, वो जानना चाहते हैं कि हमने जो एक मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे था रैनसमवेयर केस स्टडी, तो वहाँ पे रैनसमवेयर जो अटैक हुआ था तो वहाँ पे हमें क्या क्या करना पड़ा था और क्या क्या चीज़ें हमें सही करनी पड़ी, यानी कि क्या क्या नुकसान हुआ था। तो रैनसमवेयर की जहाँ तक अगर बात करें तो रैनसमवेयर अटैक एक ऐसा अटैक है जिसका आपको कोई प्रेडिक्शन नहीं होता है, आप नहीं जज कर पाते हैं कि वो जो प्रोग्राम्स अनवांटेड हार्मफुल प्रोग्राम्स आपके नेटवर्क में आ चुके हैं वो क्या क्या डैमेज करने वाले हैं, ये आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते। और लेकिन अगर ऐसा कभी अनयूजुअल एक्टिविटी आपको आपके नेटवर्क में मिले तो सबसे पहले जो है आपको अपने सर्वर सिक्योर करने हैं, सर्वर्स पे डेटा सिक्योर करना है, सिक्योर करने का इन द सेंस कि उनको एक ऐसे हार्ड डिस्क वगैरह में कॉपी कर लेना है तुरंत जो नेटवर्क पे ना लगे हों, मतलब उसमें कॉपी करके उसको वो हटा लेना है नेटवर्क से, क्योंकि जहाँ पे भी ये रैनसमवेयर अटैक्स होते हैं वहाँ पे फिर अगर आपने वो हार्ड डिस्क एक्सटर्नल भी हो तो भी अगर आपने उस कंप्यूटर या उस सर्वर के साथ लगा के रखा है इसी कंडीशन में भी जो है आपका जो डेटा है वो हार्ड डिस्क में एक्सटर्नल होने के बावजूद भी पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, लॉक हो जाता है, और जिसको आप कभी भी वापस रिकवर नहीं कर पाते हैं। सो कुछ चीज़ें हैं जो आपको आप ध्यान रखनी है कि आपके पास नेटवर्क जो है वो कम्प्लीटली सिक्योर वे में चलाएं, अपने नेटवर्क के अंदर कुछ ऐसी अनवांटेड एक्टिविटीज़ ना होने दें जो कि आपके नेटवर्क में ही डेटा को अनसिक्योर बनाए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दैट स्टफ। सो ये सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है मोबीन जिया की तरफ से है, और वो जानना चाहते हैं कि अगर हमारा जो स्विच है नेटवर्क स्विच है वहाँ पे अगर सर्वर से जो हमने कनेक्टिविटी करनी है स्विच को देनी है तो हम अपलिंक पोर्ट की जगह पे हम जो बाकी के जो पोर्ट्स हैं उनमें अगर
पैच कॉर्ड को लगा के उसको कनेक्ट करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम होती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। आप आराम से स्विच के अंदर जितने भी पोर्ट हैं आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको अपलिंक जो है उसका ही इस्तेमाल करना है। अपलिंक पोर्ट एक एडिशनल पोर्ट दिया जाता है जहाँ से जो है आपको ट्रैफिक मैनेज करने में थोड़ी सी अलग वे में उसको डिज़ाइन किया गया है, लेकिन आप अगर कोई ख़राब भी हो जाता है वो अपलिंक पोर्ट, तो आप कोई दूसरे पोर्ट जितने भी आपके पास अवेलेबल है आप उनको यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अगला जो क्वेश्चन है मंगेश की तरफ से है, वो चाहते हैं कि नेटवर्क का जो रैक है उसकी जो बैक साइड की जो केबल ड्रेसिंग है उसकी पूरी एक कंप्लीट वीडियो बना के मैं चढ़ाऊं। बहुत ही जल्दी एक नेटवर्क रैक जो है शायद अप्रैल एंड तक आपको एक पूरा मैंने को नेटवर्क पूरा रैक जो है पूरा डिज़ाइन करना है। तो उस नेटवर्क पूरा डिज़ाइनिंग में जो नेटवर्क के रैक की जो ड्रेसिंग्स होंगी केबल्स की वो मैं आपको कंप्लीट वीडियो बना के आपको दे दूंगा, जिससे आपको जो है केबल ड्रेसिंग उसमें किस तरह से करी जाती है वो आपको पता चल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है जितेंद्र की तरफ से, वो जानना चाहते हैं कि बैंडविड्थ मैनेजमेंट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ से वो मिलता है। बैंडविड्थ मैनेजमेंट के लिए तो मैं बोलूँगा कि अगर आपके जो राउटर्स हैं आप उनसे भी मैनेज कर सकते हो, या फिर आप जो फायरवॉल वगैरह यूज़ कर रहे हो तो वहाँ से आप मैनेज कर सकते हो। अगर वाईफाई ऑथेंटिकेशन वगैरह के लिए गेटवे जो है उनका इस्तेमाल करते हो वह उनके थ्रू जो बैंडविथ मैनेज कर सकते हो, नहीं तो आप माइक्रोटिक के जो राउटर्स वगैरह आते हैं आप वो खरीद के उनसे कर सकते हो। तो रही बात सॉफ्टवेयर्स की, तो सॉफ्टवेयर पे ना जाए क्योंकि वो आपको हार्डवेयर के मुकाबले जो है एक तो डिफ़िकल्ट पड़ेगा मैनेज करना बैंडविथ को, और सेकेंडली आपको वहाँ पे एक सर्वर सेटअप करना पड़ेगा, फिर सॉफ्टवेयर की कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, सर्वर के ऊपर लाइसेंस वगैरह लेने पड़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाएगा। तो मेरा तो यही सजेशन है आप कोई फायरवॉल वगैरह या फिर राउटर के थ्रू ही जो है पूरी अपनी बैंडविथ वगैरह मैनेज कर लें, तो वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपके लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो ओम की तरफ से है, वो चाह रहे हैं कि खुद का वेब सर्वर बनाने के लिए क्या सीखना होगा या क्या क्या करना पड़ता है। तो खुद का वेब सर्वर बनाने के लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है, तो आप जो है अपने एक सर्वर पूरा विंडोज सर्वर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको चाहिए है, वो आपको किसी ऐसे सर्वर पे डालना है जो एंट्री लेवल सर्वर है उन पे डालना है, और वहाँ पे जो है आप उसमें IIS कॉन्फ़िगर कर सकते हो या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं वेब होस्टिंग वगैरह के लिए। अगर आप खुद अगर घर पे कुछ वेब सर्वर काइंड ऑफ कुछ एक्टिविटी करके देखना चाहते हैं अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे, तो आप जो है नेट पे जाके वैम्प या फिर एक्स वैम्प सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो है आपको अगर आपके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको इनके लिंक मिल जाएंगे, कहाँ से आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके जो है आप उन पे अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप पे एक R&D ट्रबल शूटिंग वगैरह अगर कुछ करना चाहते हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा 62 बिट या 32 बिट या 64 बिट जो है वो अपना जो आपका PC है आपका लैपटॉप है वो एक बार चेक कर लें, उसी के हिसाब से जो पैच वहाँ से डाउनलोड करें। अगला जो क्वेश्चन है आवेद खान शेख की तरफ से है, वो 8 कैमरे लगाने हैं और उनको 8 चैनल का एक NVR सिस्टम लगाना है, कि उसका वो जानना चाह रहे हैं कि कितनी कॉस्ट उसमें लगेगी, यानी कि 8 कैमरे और 8 पोर्ट का जो उनको एक NVR सिस्टम चाहिए तो उसके लिए क्या उनका जो है कॉस्टिंग जाएगी। आपको यहाँ मैं बता दूँ ये कैलकुलेशंस जो हैं वो डिपेंड करते हैं आपके जो कैमरे हैं उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के ऊपर, यानी कि आपके जो कैमरे हैं वो 1 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर कितना स्टोरेज जनरेट चाहिए, उनको स्पेस चाहिए स्टोर करने के लिए डेटा। आपके एनालॉग कैमरे हैं, IP कैमरे हैं, IP में भी HD कैमरे हैं या जैसा भी है, वो सारी चीज़ें बहुत सारी मैटर करती हैं, ठीक है ना। 1.5 मेगापिक्सल है, 2 मेगापिक्सल है, वो सारा उनके फ्रेम रेट के ऊपर पे डिपेंड करता है कि उनको आपको कितनी स्टोरेज वहाँ पे वो उनको चाहिए है, और साथ ही साथ आपको जो है जो उनका डेटा
आठ कैमरे का जो डेटा आपको स्टोर करके रखना है वो डेटा आपको कितने दिनों तक का चाहिए, यानी कि 15 दिन का चाहिए, 10 दिन का चाहिए, 20 दिन का चाहिए, 1 महीने का चाहिए, 2 महीने का चाहिए, तो इन सब चीज़ों का जो कैलकुलेशन होता है उसके बाद ही आप ये कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि आपको जो NVR लगाना है तो वो कितना लगेगा, यानी कि उसके अंदर कितना आपको स्पेस चाहिए है। तो जितना स्पेस इंक्रीज होगा और डेफिनेटली उसकी कॉस्ट जो है उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आपका अपने कैमरे की डिटेल्स वगैरह और जो मैंने बताया है आप मुझसे कमेंट में शेयर कर लें, तो मैं आपको कैलकुलेशन करके बता दूंगा कि कितने तक का वो आपको जो है पड़ जाएगा। सो अगला जो क्वेश्चन है मिस्टर एजे की तरफ से है, वो जानना चाहते हैं किसी भी कंपनी का अगर नेटवर्क हैंडल करना है तो उसके लिए क्या-क्या आना चाहिए। थैंक यू एजे, आपने ये क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आता है, बहुत सारे ईमेल आते हैं मेरे पास, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि वो अभी उन्होंने कुछ कोर्स वगैरह कर लिया है, CCNA वगैरह कर लिया है, या उनको बेसिक नॉलेज है नेटवर्किंग का और वो किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो उनको क्या-क्या आना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस हो जाता है आपको, आप थोड़े देर के लिए हैंडल कर लेते हो तो आपको वैसी कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है कि आपको क्या-क्या करना है। लेकिन जिन्होंने अभी तक कैरियर अपना स्टार्ट ही नहीं किया और स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो वहाँ पे उनके लिए बहुत ही बड़ी ये चैलेंजिंग होता है कि क्या है, थ्योरेटिकल तो कई बार हमें आता है लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं तो वहाँ पे सिनेरियो जो है थ्योरेटिकल के अलावा बहुत डिफरेंट होता है, अपोजिट ही होता है आई वुड से। लेकिन उसी चक्कर में जो है एक ये डिसीजन ले पाना कि हम नेटवर्किंग के अंदर जाके अगर कंपनी में सेलेक्ट हो गए तो क्या करना पड़ेगा, क्या करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, आपको जो है खुद पे पहले तो कॉन्फिडेंस रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिंदास जाइए, आप जाके कुछ भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ बेसिक कुछ डिटेल्स आपको आनी चाहिए, लाइक आपके नेटवर्क में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप उसको ट्रबल शूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर आपके जो है IP डिटेल्स वगैरह जो हैं वो आपको आनी चाहिए कि IP जो है अगर DSCP नॉर्मल में चल रहे हैं, DSCP या स्टैटिक, उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर कहीं पे सबनेटिंग का इस्तेमाल हो रहा, आप ऐसी कंपनी में जॉब करने जाएं जहाँ पे सबनेटिंग वगैरह का इस्तेमाल है, बड़े नेटवर्क्स हैं तो वहाँ पे सबनेटिंग का भी इस्तेमाल होता है, तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती जा रही है और बहुत सारी कंपनियां जो अपने बहुत सारी, तो क्या हर कंपनी चाहती है कि उसका डेटा जो है सिक्योर रहे, तो उसमें बहुत सारे जो है आपको नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जैसे कि VPN वगैरह, फिर आपका क्या कहते हैं VPN हो गया, VPN के बाद आपका जो डोमेन वगैरह है जो एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह से हैंडल होते हैं, सो वहाँ पे ऑथेंटिकेशंस की क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो आपको ट्रबल शूट करना आना चाहिए। सो इस तरीके, और नेटवर्क स्विच अगर मैनेजेबल हैं तो वहाँ पे आपको जो है VLAN वगैरह किस तरह से हैंडल करते हैं, और VLAN में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको बेसिकली आनी चाहिए। अगर आती हैं तो आप डेफिनेटली 100% आगे बढ़ सकते हैं, उसमें जाके नौकरी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये सजेस्ट करूँगा, क्योंकि बड़ी कंपनियाँ होंगी, बड़ी कंपनियों में ट्राई करोगे तो वहाँ पे ऐसा तो होगा नहीं कि आपको ही पूरा डे वन से नेटवर्क संभालने के लिए दे दिया जाएगा, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं वहाँ पे एक पूरी IT टीम होती है जो कि पूरे नेटवर्क को या पूरे IT के जितने भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह को सबको हैंडल करती है। तो ऐसे में जो है आप अगर वहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो पहले जो है स्टार्टिंग में तो आपको सारी नेटवर्क की जानकारी लेनी है, अपने टीम के अपने जो कलीग्स होंगे आपके, आप उनके जो सीनियर्स होंगे उनसे आपको बात करनी पड़ेगी, उनसे सारी डिटेल्स आपको समझनी पड़ेंगी एक्चुअली वहाँ पे नेटवर्क किस तरह से जो है चल रहा है। फिर जो नेटवर्क चल रहा है जो डिटेल आए, तो आपको अगर कुछ नहीं मालूम है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट वगैरह करके पूछ सकते हैं, या फिर सबसे जो बढ़िया जो तरीका है जो मैं भी करता हूँ वो है गूगल, या आज की डेट में यूट्यूब हो गया है, जहाँ पे आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलता है। सो आप वो कर सकते हैं।
सो दोस्तों ये थे कुछ सवाल आज के जिनका जवाब दिया मैंने आपको। आई होप कि आपको आपके जवाब जो है सही मिले होंगे, और जिन्होंने ये जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये कुछ और सीखने को मिला होगा या कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे कोर टेक्निकल वीडियोज़ हम लेके आ चुके हैं और आगे भी बहुत सारे लाइनअप हैं। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।